नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चे या अपने घर वालों के ऊपर किस तरह से नजर रख सकते हैं या उनके फोन के ऊपर आप अपना कंट्रोल रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल सभी के पास फोन होता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े, और वो फोन से तरह तरह की चीजें डाउनलोड करते रहते हैं और ज्यादातर वो प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड करते रहते हैं या कोई ऐसी वैसी चीज़ खरीद लेते हैं या परचेज कर लेते हैं जिसका बिल का भुगतान आपको करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप प्ले स्टोर पे किस तरह से अपना कंट्रोल रख सकते हैं कि आपके बच्चे किसी भी तरह की कोई चीज़ ना डाउनलोड कर ले, ना ही कोई गंदी चीज़, ना ही कोई किसी तरह का कोई ऐसा वैसा चीज़ है वो वहाँ से डाउनलोड करे ताकि आपको उसका भुगतान करना पड़े या आपको किसी तरह की परेशानी हो। तो सबसे पहले ये अपना आप गूगल का जो प्ले स्टोर है आप उसको ओपन कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो तीन लाइनें हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये आपको तीन लाइनों पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा आप नीचे जाइए, नीचे जाकर यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। और सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे देखें तो यहाँ पर आप नज़र आएगा एक पेरेंटल कंट्रोल। तो ये ऑप्शन हर प्ले स्टोर में होता है और ये सेटिंग हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं जबकि इसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे कोई प्ले स्टोर को यूज़ ना कर सके। अगर हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो उनके भी फ़ोन में आप ये पेरेंटल कंट्रोल ज़रूर लगा के रखिए या किसी के भी फ़ोन में जिसको आप चाहते हैं कि वो प्ले स्टोर का गलत यूज़ ना करे। अब हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं पेरेंटल कंट्रोल को। अब देखिए यहाँ पर ये ज़्यादातर ये ऑफ ही रहता है ताकि यहाँ पर हर चीज़ डाउनलोड हो सके, तो हमें यहाँ पर अब इसको ऑन कर देना है, ठीक है। जिसके ही फ़ोन में आप अपना पेरेंटल कंट्रोल चाहते हैं यानी कि आप अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं कि कोई किसी भी तरह की चीज़ आपकी मर्जी के बिना या ऐसी वैसी चीज़ कोई डाउनलोड ना कर ले। तो जब आप यहाँ पर ऑन करेंगे तो आपसे एक पिन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए, 4 डिजिट का 6 डिजिट का जितने भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर सिंपली 1234 बना देता हूँ। आप इस तरह का बनाइए कि कोई उसको आसानी से गैस ना कर पाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर पिन बना लिया है, इसको दोबारा कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए अब ये ऑन हो गया है। अब यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप ऐप्स और गेम्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं कि कोई यहाँ से कोई गेम डाउनलोड ना करे फ़ोन पे, कोई ऐप्स डाउनलोड ना करे, या आप चाहते हैं कि कोई फिल्म वगैरह डाउनलोड ना करे जिसकी कोई रेटेड भी ना हो, या कोई सी ग्रेड फिल्म या बी ग्रेड कोई इस तरह की कोई फिल्म कोई डाउनलोड ना करे, या किसी तरह का कोई म्यूज़िक कोई डाउनलोड ना करे। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को यहाँ पर करना चाहते हो। तो देखिए जैसे आपने मैंने ऐप्स और गेम्स पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अब मुझसे पूछा गया कि किस तरह की ऐप्स को आप बैन करना चाहते हैं, जिसको 3 स्टार रेटिंग मिली है उनको, या रेटेड 4.7+ है, मतलब जो 7 साल से ऊपर वालों के लिए है, या 12 साल से ऊपर वालों के लिए है, या 16 साल के, या सबको ही। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर किसी के ऊपर क्लिक करके जो भी आपको लगता है उनको आप देखिए सारी चीज़ों के ऊपर ये कंट्रोल करके, और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर आप सेव कर देंगे तो यहाँ से उन तरह की चीज़ें देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ भी आ गया कि 16 साल से बड़ी चीज़ें जो ज़्यादा लोगों के लिए जो चीज़ें वो यहाँ पर डाउनलोड हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह फिल्म या म्यूज़िक को भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्ले स्टोर की बहुत ही अच्छी सेटिंग है जिसके बारे में लोग नहीं जानते या फिर उसे यूज़ नहीं करते जबकि उनको यूज़ करना चाहिए ताकि आपके प्ले स्टोर का कोई गलत यूज़ ना करे, ना ही कोई प्ले स्टोर से कोई इधर उधर की ऐसी वैसी चीज़ें फ़ोन में डाउनलोड ना करे। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो अगर ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।